शुरू करें। आज इस पत्रकार वार्ता में, ये पत्रकार वार्ता मुख्य तौर पर केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा के अंदर जो बजट प्रस्तुत हुआ है उन बिंदुओं पर यह पत्रकार वार्ता हमारी आज है। केंद्रीय बजट 2021-22, क्योंकि जिस प्रकार से दुनिया कोरोना के महामारी के संकट से गुजरी है, भारत भी उससे अछूता नहीं है और इस दौरान कई प्रकार के संकट देश के अंदर जो आए हैं, उन सारी बातों को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने और देश के हमारे वित्त मंत्री, दोनों को मैं बहुत हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं कि बजट उन्होंने जो प्रस्तुत किया, क्या है संकट में प्रधानमंत्री जी ने यह कहा था कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये जो चुनौती हमारे सामने है उसको अवसर में कैसे बदला जाए, तो केवल शब्दों में नहीं कहा, उसको अवसर में बदलने के लिए उसका रोडमैप जो बनाया था, उस रोडमैप को प्रत्यक्ष तौर पर देश के अंदर इंप्लीमेंट करने का काम इस बजट के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर किया है। हम सब सांसदों को लोकसभा के अंदर पहली बार ऐसा हुआ कि ये पेपरलेस बजट है, सारी चीजें लोगों को जो उपलब्ध कराई। बजट में मुख्य तौर पर 6 एरियाज में इस बजट को प्रस्तुत किया है, उसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण हेल्थ को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने सोच है कि जिस प्रकार से देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि गरीबों के जी का नारा नहीं दिया, गरीबों के तो जिसके पास मकान नहीं है, जो अंतिम छोर पर रहता है, प्रधानमंत्री आवास इस सरकार के गर्भ से निकला और आज पूरे भारत के अंदर उन गरीबों को मकान देने का काम, जिनका अपना अधिकार है अपने घर में रहने का, ये इस सरकार ने किया। उज्ज्वला योजना के माध्यम से लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के, उन माताओं बहनों के लिए जिस प्रकार से उज्ज्वला गैस जो सिफारिशों के आधार पर मिलती थी, दृश्य बदल दिया भारत का माननीय प्रधानमंत्री जी ने। तो इसी प्रकार से देश का आम जन, गरीब आदमी, गांव का आदमी, प्रधानमंत्री और ऐसी सरकार ने कि आयुष्मान भारत के माध्यम से पूरे देश के अंदर उन गरीबों के लिए, जो गांव के अंदर अगर बीमार होकर के 1-2 लाख रुपए की उसको कोई सर्जरी होना है तो वो नहीं करा सकता था, इसकी उपलब्धता कराने का काम देश के प्रधानमंत्री जी के उस विजनरी नेतृत्व के कारण से आयुष्मान भारत देश को मिला। और आयुष्मान भारत के माध्यम से 5 लाख तक का फ्री में इलाज कोई भी गरीब देश का किसी भी कोने में करा सकता है, ये भारत के नहीं दुनिया के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। इस बजट के अंदर भी जो मैं कहना चाहता हूं, इसका उल्लेख मैंने इसलिए किया है पृष्ठभूमि का, कि अब माननीय प्रधानमंत्री का टारगेट है कि देश के अंदर स्वास्थ्य की दृष्टि से कोई व्यक्ति अपने आप को असहाय महसूस न करे, हर प्रकार से व्यक्ति स्वस्थ बनेगा बनता है, और स्वस्थ बनता है तो उसका स्वस्थ दिमाग उसके मन के अंदर होता है, और जिसका स्वस्थ दिमाग होता है वो देश के लिए भी स्वस्थ तौर पर पॉजिटिवली काम करने का प्रयास करते हैं। तो स्वास्थ्य सेवाओं में भारत के इतिहास में पहली बार कितना 135%
135% बजट के अंदर वृद्धि होना, वो वैक्सीनेशन है उसके लिए बजट दिया है, लेकिन हेल्थ सर्विसेज के लिए भारत के इतिहास में पहली बार कि कोने कोने का गांव का व्यक्ति कैसे स्वस्थ बनेगा। पहले स्वच्छता के अभियान में सारी चीजों को माननीय प्रधानमंत्री ने इस दिशा में कदम उठाए, अब हेल्थ पर 135% देना, यानी 94,000 करोड़ रुपए का बजट था, आज 2,23,000 जो हेल्थ का बजट है, 2,23,000 समथिंग कुछ 2,23,000 करोड़ रुपए हेल्थ को दिया है। ये हम सब लोगों के लिए एक ऐतिहासिक कदम इस बजट के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने उठाया है, इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का 23,000 करोड़ रुपए हेल्थ को दिया है, ये हम सब लोगों के लिए एक ऐतिहासिक कदम इस बजट के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने उठाया है, इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का और वित्त मंत्री जी का बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं। मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता की ओर से धन्यवाद करता हूं कि मध्य प्रदेश की उसका एक हिस्सा है। इस बजट के अंदर एक बार और बहुत महत्वपूर्ण तौर पर कि अधोसंरचना का विकास, जब देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे तब उन्होंने इस देश के अंदर कहा था कि भारत का कोई गांव ऐसा नहीं बचेगा जो रोगों से नहीं जुड़े, और आज हमें गर्व है कि भारत का एक एक गांव आज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू की थी, तो गांव गांव से सड़कों से जुड़ने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था, तो मोदी जी ने तय कर दिया कि जल जीवन मिशन के माध्यम से जल शक्ति मंत्रालय अलग बनाकर पानी भी लोगों की एक आवश्यकता है। मैं तो बुंदेलखंड का सांसद हूं, हर क्षेत्र में पानी को लेकर के लोग मांग करते हैं, पानी पानी चाहिए, जीवन के लिए पानी महत्वपूर्ण है, तो जैसे अटल गांव गांव से सड़कों से जुड़ा, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजनरी जो चेहरा है, विजनरी की जो सोच है कि हर घर को जल और हर घर को नल, ये उन्होंने पिछली बार इसका आह्वान किया था। इस बजट के अंदर नल घर घर तक पहुंचेगा, पानी घर घर तक पहुंचेगा, उसके बारे में परिपूर्ण व्यवस्था करके इन योजनाओं को जमीन पर उतारने का काम कैसे करेंगे, बजट के माध्यम से उनका वो विजनरी, ये एक ऐतिहासिक कदम हमारी सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय वित्त मंत्री जी ने उठाया है। तो अधोसंरचना के हो चाहे पानी हो, ऐसे हर प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना इस बजट के अंदर बहुत महत्वपूर्ण दूसरा कदम प्रधानमंत्री रोजगार के अवसर भी इसके माध्यम से उपलब्ध होंगे मंत्री जी ने उठाया है, जिसके कारण से कई प्रकार के रोजगार के अवसर भी इसके माध्यम से उपलब्ध होंगे। आपने देखा है कि जिस प्रकार से समाज के अंदर मार्केट के अंदर लोगों में उत्साह आया है, और जो उछाल में उसका बहुत ज्यादा तो अध्ययन मुझे है नहीं, लेकिन सेंसेक्स से लेकर के कैसे उसका उछाल आया है, तो रोजगार के अवसर देश के अंदर इसके माध्यम से उपलब्ध होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो चीजें बढ़ेंगी। मध्य प्रदेश को कृषि कर्मण आवाज इसलिए मिला, 5 बार सड़क मिली, बिजली हमने दी, और पानी की उपलब्धता मध्य प्रदेश की सरकार ने भी उस समय 7 लाख हेक्टेयर सिंचाई 2008 से पहले हुआ, 2003 से पहले हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद मध्य प्रदेश के अंदर 40-42 लाख हेक्टेयर से ऊपर सिंचाई की सुविधा देने के कारण से किसान उस दिशा में आगे बढ़ा, जो आय दोगुने करने का माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर किसान को जो मिलता है तो उसके आधार पर किसान इस दिशा में आगे बढ़ता है, और हमने सब देखा भी है। तो इसी प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर इस बजट का बहुत बड़ा दूसरा हमारा जो हिस्सा है, आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस दिशा में एक बड़े कदम उठाए हैं। मानव पूंजी में नवजीवन का संचार करना, किस प्रकार से हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे, ये माननीय प्रधानमंत्री ने इसको सुनिश्चित किया है। रिसर्च पर शोध के मामले में देश के अंदर, क्योंकि बिजनरी जब नेतृत्व होता है, कमिटमेंट वाला नेतृत्व जब होता है,
जब ऐसा नेतृत्व होता है जिसके मन की आकांक्षा होती है कि दुनिया को लीड करे, तो माननीय प्रधानमंत्री की उस सोच के कारण आज हमें गर्व है कि कोरोना के महामारी के संकट में रिसर्च में भारत सबसे आगे निकल करके कोरोना वैक्सीन में, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, चाहे और भी दुनिया के देश है जो अपने आप को शक्तियां कहते हैं, लेकिन भारत इन सब में महाशक्ति बनकर के उभरा। और आज हमें गर्व है कि 21 देशों को केंद्र की सरकार ने कोरोना की वैक्सीन को सप्लाई करने का काम किया है। दुनिया का ताकतवर देश इसराइल ताकतवर देश है, उसके प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री की और भारत की सरकार की प्रशंसा की है, इसलिए की है कि उन्होंने हमें वैक्सीन दिया, इसके लिए भारत का आभारी हूं। यह सामान्य घटना नहीं है। तो इसी दिशा में एक लीड करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे दुनिया के अंदर जो किया, ये हम सब लोगों के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। तो इस पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने रिसर्च पर बड़ा फोकस किया है कि हमारे वैज्ञानिक ऐसे लोग जो देश के लिए काम करना चाहते हैं, ऐसे लोग जो देश के बारे में सोचते हैं, उनको कैसे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, अवसर मिलेंगे। तो रिसर्च पर इस बजट में बड़ा फोकस माननीय प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री जी ने किया है। और जिसके बारे में हम लोग कहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन, इस दिशा में आगे बढ़े। इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये जो बजट है ये गुड इकोनॉमिक्स और गुड पॉलिटिक्स को चरितार्थ करने वाला बजट है। इसके माध्यम से हम गुड गवर्नेंस देने का काम जो माननीय प्रधान, तो गुड गवर्नेंस और इसके अंदर गुड इकोनॉमिक्स जो शब्द मैंने उपयोग किया है, और इसी प्रकार से अच्छी राजनीति करना, देश के अंदर सार्थक और पॉजिटिव पॉलिटिक्स करना, ये इस बजट के अंदर भी चरितार्थ होता है। इसलिए ये बजट एक प्रोग्रेसिव और प्रोएक्टिव बजट है जिसके माध्यम से हम देश के अंदर आगे बढ़ने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। उज्ज्वला योजना के अंदर आपको ध्यान दें कि 8 करोड़ से ऊपर परिवारों को गैस कनेक्शन देने का काम सरकार ने किया है। बजट के अंदर अभी 1 करोड़ और हम देश के अंदर उज्ज्वला योजना के माध्यम, इसमें कुछ बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि नए 100 सैनिक स्कूल, ये बड़ा महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी कदम है देश की सुरक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए। ऐसे लोग जो प्रशिक्षित होकर के आज के इस तकनीकी के युग में इस प्रकार से जहां पर अच्छे सैनिक अधिकारी तैयार होते हैं, तो देश के अंदर 100 सैनिक स्कूल खोलना ये सामान्य घटना नहीं है। ये प्रधानमंत्री जी के उस सोच का परिणाम है कि वो सोचते हैं कि देश के लिए इस प्रकार के अधिकारी जो देश की रक्षा के लिए कैसे तैयार होंगे। तो चाहे गरीबों के उत्थान की बात हो, चाहे रिसर्च वैज्ञानिक नौजवानों के लिए रिसर्च की बात हो, तो देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए इस प्रकार के नौजवानों को अवसर देकर के तैयार करना, ये प्रधानमंत्री की उस बड़ी सोच का परिणाम है। तो उन्होंने 100 नए सैनिक स्कूल दिए हैं, तो साथ में ही ट्राइबल स्कूल्स के बारे में भी उन्होंने जनजाति अनुसूचित जाति जनजाति के क्षेत्र में भी इस प्रकार के बजट को लेकर के प्रावधान करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। जिसके अंदर अगर मैं ये कहूं कि अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम में अनुसूचित जाति के 4 करोड़ छात्रों के लिए 2025-26 तक 35,219 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ये आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि इन समाज वर्गों के नौजवानों के बारे में स्कॉलरशिप को रिवाइज करना, ये पहली बार मैंने विद्यार्थी परिषद के अंदर हम हमने इस पर पूरा देश भर के छात्रावासों की स्टडी की थी, तब उस समय उभर के आज तक कभी किसी ने सोचा ही नहीं। तो इस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बजट का प्रावधान करने का काम किया है। उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए हायर एजुकेशन के लिए हायर एजुकेशन कमीशन की स्थापना होगी, जो मैंने कहा कि रिसर्च से लेकर के सारी बातों का जो माननीय प्रधानमंत्री ने दिया है, इस दिशा में भी हम कदम बढ़ाने का काम देश के अंदर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रकार से कई प्रकार की चीजें जो आपके सामने रेलवे को लेकर और भी कई चीजों को लेकर के जो बजट आया है, और एक बार महत्वपूर्ण कदम बजट के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने उठाया है कि 75 साल से ज्यादा उम्र के
जो पेंशनर्स हैं इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करने की इनको जो छूट दी गई है, ये उन लोगों के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण कदम और एक बुजुर्गों के लिए सम्मान करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो देश के अंदर किया, ये भी हम सब लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। एक बात मैं कम समय में थोड़ा सा उल्लेख कर देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश को लेकर कई प्रकार की चीजें इस बजट के अंदर दी है। अगर आप कहेंगे तो ये आपको चूंकि केवल मैं उल्लेख कर देता हूं कि भूतल परिवहन मंत्रालय के अंदर सड़क परियोजना जिनकी लंबाई 3,636 किलोमीटर है, 38,743 करोड़ का प्रावधान हुआ है। भोपाल मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए 1,565 करोड़ रुपए, इंदौर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए 1,106 करोड़ रुपए, जिलों की मुख्य सड़कों का उन्नयन एवं विकास 700 करोड़ रुपए, मध्य प्रदेश में पुलों का निर्माण 400 करोड़ रुपए, सड़कों के विकास हेतु पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में परियोजना लाने के 650 करोड़ रुपए, ऐसे अलग अलग प्रकार से रेल मंत्रालय के लिए भी जो तीन प्रकार की चीज है, जो 8 नई रेल लाइन परियोजनाएं हैं, 5 रेल परियोजनाओं का गेट परिवर्तन है और 27 रेल लाइनों का दोहरीकरण है, इसके लिए भी मध्य प्रदेश के अंदर 34,770 करोड़, 14,650 करोड़ और 36,916 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट के अंदर किया है। जल शक्ति मंत्रालय में मैं हमारे मित्रों को और खासतौर पर बुंदेलखंड के लोगों को बधाई देना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी को, वित्त मंत्री को हृदय से धन्यवाद देता हूं उस गरीब बुंदेलखंड की जनता की ओर से कि बहुत वर्षों से केन बेतवा लिंक परियोजना जो हमारी पेंडिंग पड़ी थी उस पर ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 35,111 करोड़ रुपए केन बेतवा लिंक परियोजना को हमारे बुंदेलखंड के मित्र भी यहां पर बैठे हैं। बुंदेलखंड में आज पानी के लिए त्राहि त्राहि करते हैं, कुछ दिनों बाद होगा कि पानी ही पानी बुंदेलखंड के अंदर निकलवा पीने से लेकर के सिंचाई तक, तो केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए ऐतिहासिक कदम इस बजट के अंदर भी उठाया गया है। सिंचाई परियोजनाओं की क्षमताओं के विकास के लिए 367 करोड़ रुपए, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित योजनाओं के लिए मैंने कहा नल जल योजना घर घर जल 382 करोड़ रुपए, विद्युत मंत्रालय के लिए भी अलग अलग प्रकार से चारों प्रदेश में ट्रांसमिशन लाइनों का विकास हो, ट्रांसमिशन लाइनों का सुदृढ़ीकरण हो, उच्च शिक्षा गुणवत्ता सुधार के लिए 1,028 करोड़ रुपए, शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा शहरी विकास परियोजना के लिए 260, शहरी सेवा उन्नयन परियोजना के लिए 607, शहरी विकास परियोजना हेतु अतिरिक्त धनराशि 230, ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए बहुउद्देशीय ग्रामीण जल प्रदाय योजना वही जल शक्ति मिशन में 1200 करोड़ रुपए, मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क परियोजना के लिए 600 करोड़ रुपए और खासतौर पर कौशल विकास परियोजना के लिए 110 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने और वित्त मंत्री जी ने किया है। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को एक बार पुनः हृदय से धन्यवाद देता हूं और आशा करते हैं कि इस बजट के माध्यम से जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है वो देश की जनता के लिए हम एक बार पूरे इस बजट को पुनः एक बार सराहना करते हुए पुनः एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देता हूं।